हाँ तो फिर बच्चों आज इको सिस्टम का अगला पार्ट कराते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। एनसीईआरटी में 5 हेडिंग्स दिए हुए हैं, बिल्कुल वही एज इट इज बताया जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, एक एक चीज को समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है, ये डेक्टिवोरस फूड चेन पे काम करते हैं, तो अर्थवॉर्म डेक्टिवोरस है और ये बड़े फ्रेगमेंट्स को छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। अर्थवॉर्म इज कंसीडर्ड एज डेक्टिवोरस एंड इट ब्रेक्स लार्ज फ्रेगमेंट्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, इट इज फ्रेगमेंटेशन। अगला है लीचिंग, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ होता है तो यहाँ भी समझते हैं इसको। बहुत सारे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सोइल में चले जाते हैं काफी गहराई में। अब जब काफी गहराई में पहुंच जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल फॉर्म में रहते हैं, जनरली इस्तेमाल नहीं हो पाते एनिमल्स के द्वारा भी और प्लांट्स के द्वारा भी। इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अगला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म खूब पढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये वही कैटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, वहां पे एनाबॉलिज्म जो होता है कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव फेज है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव फेज है। तो यहाँ पे क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ह्यूमिफिकेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स की एक डार्क कलर की लेयर बन जाती है सोइल में, ये काफी रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लेयर पे फॉर्मेशन को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो ह्यूमिफिकेशन वाली लेयर है ये रेजिस्टेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के लिए। मिनरलाइजेशन क्या है? ये ह्यूमस का ही पार्ट है, जो ह्यूमस का लेयर है ये बात को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे मिनरल्स में, ये मिनरलाइजेशन कहलाता है। कल हमने फूड चेन जनरल बताया था, आज फूड चेन को थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं। लिंडेमैन का लॉ है 10% एनर्जी का, ये हमको पता है कि हमारा फर्स्ट सोर्स अल्टीमेट सोर्स सन है, सन से एनर्जी मिलती है, ये फूड चेन बनी हुई है। सन से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्लांट्स को ट्रॉपिक लेवल D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1। प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वॉल्फ ने, वॉल्फ को खाया टाइगर। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ है, फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोर है, सेकंड कंज्यूमर कार्निवोर है, थर्ड कंज्यूमर कार्निवोर। इसकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, किचन स्टेट चल रही है, इसको स्टेट चेन बोलते हैं। कभी चेन में डिसऑर्डर्ड तरीका आ जाए तो वॉल्फ को खाया काइट ने, यहाँ पे ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया काइट ने। इस तरीके से अगर चेन डिसऑर्डर्ड हो जाए तो उसको फूड बैग बोलते हैं, ये स्टेट चेन है जनरल। इसमें एनर्जी फ्लो को भी हम समझते हैं, लिंडेमैन का रूल है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। मान लो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स ने सन से एनर्जी ली, एक हाइपोथेटिकल चीज है, मान लो इन्होंने एनर्जी ली 1000 जूल, इस ग्रास को रैबिट ने खाया तो एक 1/10 के अकॉर्डिंग रैबिट के पास पहुंचेगा 100 जूल, रैबिट को वॉल्फ ने खाया तो 1/10 के अकॉर्डिंग वॉल्फ के पास पहुंचेगा 10, वॉल्फ को टाइगर ने खाया टाइगर के पास पहुंचेगा 1। तो 10% ला के अकॉर्डिंग एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता रहता है। ट्रॉफिक लेवल्स, इनको सबको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं।
स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, ये एक टर्म है। स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं? हर एक ट्रॉफिक लेवल का कुछ मास होता है, लिविंग मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल का एक डेफिनेट मास है, लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? स्टैंडिंग स्टेट जो होती है, ट्रेबलेट्स ग्रोथ रिप्रोड्यूस एंड मेनी अदर फंक्शंस। ऑर्गेनिज्म्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें रेगुलर सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, इसी को हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। अब इसके बाद इस अगला टॉपिक इकोलॉजिकल पैरामिड्स बताएंगे जो इकोसिस्टम में लगे हुए हैं। इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, तो फिर बच्चों अभी इकोलॉजिकल पिरामिड्स शुरू करते हैं, इकोसिस्टम का अगला पार्ट। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, एक तरीका है जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म्स को उनके रिलेशनशिप फूड के पर्पस से, एनर्जी के पर्पस से या बायोमास के पर्पस से शो करते हैं। ये तीन तरीके को होता है बेसिकली, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी में या कुछ और सारी बुक्स में इसको दूसरे तरीके से शो करते हैं, मतलब एक ही है सबका। यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर बनाते, वो रेक्टेंगल बनाते हैं, इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में शो करते हैं। ये भी पिरामिड शो करने का तरीका है, या ट्राइंगल बनाए हम, वो भी पिरामिड शो करने का तरीका है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पिरामिड ऑफ नंबर को समझते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है, ट्रॉफिक लेवल पीछे समझ में आ गया था, इट शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। नंबर की बात हो रही है, मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा है, ग्रास के प्लांट से सबसे ज्यादा है। कोई भी इकोसिस्टम ले लें, फॉरेस्ट ले लें, फील्ड इकोसिस्टम ले लें, कहीं के पार्क का ले लें, कोई भी ले लें, तो ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा है। ग्रास को रैबिट खाते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर है, ग्रास की कंपेरिजन में रैबिट्स का नंबर कम है। रैबिट्स को बॉल्फ खाते हैं, बॉल्फ का नंबर रैबिट से कम है। बॉल्फ को टाइगर खाता है, टाइगर का नंबर बहुत कम है। तो ये जो है हमारा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर कम होता चला जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऐसी फिनोमिना देखी जाती है, ये जो है हमेशा अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर में पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम क्या है? कोई एक पेड़ है, मान लो बनियान ट्री है या कोई और पीपल का पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारी बर्ड्स रहते हैं। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स हैं, मान लो टिक्स हैं उनका खून चूसने को। तो ये जो चीज है, ट्री एक है जो प्रोड्यूसर है, उसका नंबर कम है। बर्ड्स रहती हैं, उनका नंबर ज्यादा है। बर्ड्स की, एक एक बर्ड की बॉडी पे सैकड़ों पैरासाइट्स रहते हैं, तो पैरासाइट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। ये वाला पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। फूड चेन में ही हम पढ़ते हैं तो पैरासिटिक फूड चेन भी आती है। तो पैरासिटिक फूड चेन भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो वो पिरामिड इन्वर्टेड होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड अपराइट होगा, लेकिन ट्री इकोसिस्टम या पैरासिटिक फूड चेन का पिरामिड इन्वर्टेड होगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है?
हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बेट को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दो तरीके का है, ये भी ग्रासलैंड घास वाला, ये हमेशा अपराइट होता है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पीछे से ही कनेक्टेड है। एक्वेटिक वाला हमेशा इन्वर्टेड होता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे या और कोई दूसरी वाटर बॉडी है, फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं बहुत ज़्यादा नंबर उनका, फाइटोप्लैंकटॉन्स को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, तो इस तरीके से ये जो है पॉन्ड के अंदर उनका नंबर के बेस पे, इसको इन्वर्टेड पैरामिड मानते हैं बायोमास के बेस पे। बायोमास में हम वेट को कंसीडर करते हैं, हमारे क्राइटेरिया वेट है, इस बेस पे ये एक्वेटिक पिरामिड वेट के बेस पे इन्वर्टेड हो जाता है, नंबर के बेस पे इन्वर्टेड नहीं होगा, वेट के बेस पे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कंक्लूजन कराने के लिए, उस क्वेश्चन से डालते हैं, तो उस क्वेश्चन से कनेक्ट करके दिखाते हैं, तो इसको सीरियसली करना। अगला है पैरामिड ऑफ एनर्जी, सबसे सिंपलेस्ट पैरामिड है, लिंडेमैन के रूल का फुल फ्लेज्ड तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से फॉलो किया जाता है लिंडेमैन के रूल को। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है एनर्जी के पर्पज से, ये ट्रॉपिक लेवल से दिखाए गए हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, फूड बना रहे हैं, मान लो एज्यूम करो हाइपोथेटिकल चीज है, अगर इन्होंने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई, अगले लेवल पे जब ये एनर्जी जाएगी तो इसका 10% जाएगी, मतलब 100 किलो कैलोरी जाएगी, इससे अगले लेवल पे जब आएगी तो 10 किलो कैलोरी आएगी, नेक्स्ट लेवल पे आएगी तो 1 किलो कैलोरी, 1/10 रूल लिंडेमैन का फॉलो किया जाता है, और ये इस तरीके से आखिर तक चलता रहता है। इतना ही है, और जो था पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी डिस्कवरी एल्टोनियन ने की थी, एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन बता देते हैं, बस इतना ही है। और अब आगे रह जाता साइकिल मिनरल्स की, खुद पढ़ लेना, इकोलॉजिकल सक्सेशन करा देना।